वकील साहब, पोस्टमार्टम पूरा होने में कितना समय लगेगा? दिनेश अभी वकील साहब पहुंचे हैं, जो बात कर रहे हैं उनसे सीधे बात ही करिए। पोस्टमार्टम शुरू हो जाए। तो यहाँ पर ये जो पंचनामा हुआ है उसके देखिए पंचनामा के कागज लेकर पहुंचे हैं वकील, पंचनामा होने के बाद उसके कागज लेकर यहाँ पहुंचे हैं। पोस्टमार्टम शुरू हो गया है और अब जितना समय पोस्टमार्टम में लगेगा दिनेश, उसके बाद फिर सब सौंपने की कार्रवाई शुरू की जाएगी, बॉडी सौंपने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। एम्बुलेंस आ चुकी है और पंचनामे में पांच लोगों के जो सिग्नेचर होते हैं उसमें उमर अंसारी है, दो मुख्तार अंसारी के चचेरे भतीजे हैं उन्होंने साइन किए हैं और कुछ उनके सहयोगी हैं उन्होंने साइन किए हैं। ऐसे कुल मिलाकर पांच लोगों ने साइन किए हैं। पंचनामे की रिपोर्ट वकील को मुहैया कराई गई है और वो दस्तावेज लेकर अब दोबारा अंदर जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब पोस्टमार्टम कराए जाने के बाद बॉडी उन्हें मिल जाएगी, उसके बाद सीधे वो यहां से लेकर रवाना हो जाएंगे। तो ये ताजा अपडेट, पोस्टमार्टम शुरू हो गया है और बहुत जल्द वो खत्म होने वाला होगा क्योंकि लगभग आधा घंटा हो गया पोस्टमार्टम शुरू हुए, ऐसी जानकारी वकील जो मुख्तार अंसारी के हैं उन्होंने दी है। तो ये कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम जो शुरू होने की प्रोसेस थी वो शुरू हो गई है। मजिस्ट्रेट मौके पर मौजूद है, सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पीएम कराया जा रहा है ताकि जो उमर अंसारी के सवाल है, देखिए दूसरे वकील भी पहुंचे हुए हैं, दूसरे वकील भी पहुंचे हुए उनसे भी अभी कोई जानकारी नहीं है। अभी अभी क्या चल रहा है ये बताइए। अभी डॉक्टरों का पैनल बन रहा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ जगह अभी नहीं हुआ है जी, अभी नहीं बना, अभी कार हो रहा है। अच्छा, और इसके बाद बताते हैं पंचनामा भरा जा चुका है वकील साहब, एक बार नाम बता दीजिए। चंद्रजीत, एक मिनट प्रोसेस बता दीजिए पूरी, क्या अंदर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है? अंदर चल रहा है जो डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया हो रही है, डॉक्टर पैनल बन रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ कागज बचे थे जो साइन होने थे वो हम का साइन करवाने आए थे और जैसे जो जानकारी आती हम आपको। मजिस्ट्रेट अंदर मौजूद है जी? अभी मैं अंदर नहीं गया, मुझको जानकारी नहीं अंदर कौन कौन। अच्छा, पूरा नाम जी।